तुमने माफी नहीं मांगी? क्यों हम सबकी दुश्मन बन बैठी हो तुम अलका? क्या बिगाड़ा है हमने तुम्हारा? अब इस घर में कोई भी मुश्किल आएगी ना तो उसकी जिम्मेदार सिर्फ तुम होगी। नीन, हाँ। एक काम कर, तू वहां पर पता कर, मैं यहाँ पर पता करता हूँ। भाई साहब, आपने इस आदमी को कहीं देखा है? नहीं नहीं, इस आदमी को नहीं देखा है। भाई साहब सुनिए, क्या इसे आपने कहीं देखा है? नहीं देखा है। भाई, ये फोटो दिखाने से होगा क्या? यार नील, मैंने अजय को इस एरिया में दो बार देखा है, इसका मतलब वो यहीं कहीं रहता होगा। और अगर वो यहाँ कहीं रहता है तो अपने रोजमर्रा के सामान के लिए इस मार्केट में आता होगा। प्रोविजन स्टोर, सब्जी लेने, चाय पीने, पान खाने, कुछ तो करता होगा यार। जा जाकर सबसे पूछ। भाई साहब, आपने इस आदमी को कहीं देखा है? नहीं नहीं। चाचा, इस बंदे को कहीं देखा है आपने? हाँ, इसे तो मैं जानता हूँ। अच्छा, वो यहाँ लॉटरी लेने आता है, आज भी आया था। लग गई लॉटरी। देवयानी, तुम ये क्या कर रही हो? सीन क्यों चेंज कर रही हो? क्योंकि हमें इस घर की हालत चेंज करनी, बस देखती जाओ कि हम क्या करें। हेलो हेलो, क्या मैं मिस्टर अजय जी से बात कर रही हूँ? हाँ जी, अजय बोल रहा हूँ, क्या हो गया मैडम? एक्चुअली मैं बंपर लक्ष्मी लॉटरी कंपनी से बात कर रही हूँ। क्या आपने हमारी कंपनी से कोई लॉटरी टिकट खरीदी है? हाँ जी, खरीदी है जी। कॉन्ग्रेचुलेशन, लॉटरी 50,000 की है जो आपने जीत ली है। क्या बात कर रही है, सच्ची? जी हाँ। क्या आप अपना प्राइज लेने के लिए कल जीके मार्केट आ सकते हैं सुबह 10 बजे? क्या बात कर रही मैडम, अभी नहीं आऊंगा तो कभी आऊंगा। जरूर आ सकता हूँ, क्यों नहीं आ सकता। और मैंने एक बात बताओ, मैं अपने बंपर लक्ष्मी को पहचानूंगा कैसे? जी आप उसकी टेंशन बिल्कुल मत लीजिए। हमारे हाथ में एक रेड कलर का सूटकेस होगा, कल सुबह 10 बजे मिलते हैं। 10 बजे जीके मार्केट। अब बताओ कैसी लगी हमारी एक्टिंग? बहुत ही अच्छी। लग ही नहीं रहा था कि तुम एक्टिंग कर रही थी। आगे से कोई भी टेढ़ा काम करवाना होगा ना, तुमसे ही करवाएंगे। हाँ, होंगे तो हम कर लेंगे, पर अभी आप सबको काम करना है। कल सुबह 10 बजे उसके लिए रेडी हो जाओ, ठीक है? यस, वी आर रेडी। हेलो भाई, आधा घंटा हो गया लेकिन अभी तक आया नहीं। आपको दिखा क्या?
किसी को ढूंढ रहे हो भाई जी? जब वो मेरी लॉटरी खत्म बच्चे, लड़ना बंद कर। क्या सच में आपको चोट वोट तो नहीं लगी ना? ठीक है रजत, आप जल्दी से घर आ जाइए, फिर हम डिटेल में बात करते हैं। तुलसी एक घर के लिए शुभ होती है और एक अशुभ इंसान को उसमें पानी नहीं डालना चाहिए। इसे हिम्मत कहूं या पागलपन, ये तो नहीं पता। और कुछ तो है, आपने घर से निकलवा दिया तब भी डायलॉग मारने आ गए, अब इस शहर से निकलवा दो क्या? हाँ, मन कर रहा है कहीं घूम के आए किसी हिल स्टेशन पर। वहां जाने से पहले हमें एक बहुत जरूरी काम है। क्या हो रहा है सर? माना कि देवरानी जेठानी का रिश्ता कोई सबसे बढ़िया रिश्ता नहीं है और तुम दोनों का कुछ ज्यादा कड़वा है, लेकिन क्या ये जरूरी है कि मोहल्ले वालों को ये हमेशा बताओ? बगैर गुत्थम गुत्था के तुम दोनों बात नहीं कर सकती हो क्या? चलो अंदर। मम्मी जी, मैं तो अंदर जाने वाली थी, पर इन लोगों ने एक ऐसी बात कह दी कि मैं हैरान ही हो गई। अब क्या कह दिया? मम्मी जी, ये लोग कह रहे थे कि रजत भैया इनके साथ मिले हुए हैं। इनकी कोई भी लड़ाई नहीं हुई है, ये लोग सिर्फ ड्रामा कर रहे थे, आपको बेवकूफ बना रहे थे। और मम्मी जी, ये लोग सिर्फ और सिर्फ मुझे घर से बाहर निकालना चाहते हैं और कुछ भी नहीं। और हाँ, नील जी भी इनकी साइड पे और इनके साथ मिले हुए। हाँ हाँ, और ये भी कह दो कि हमने तुम्हारे पीछे जासूस लगाए हुए हैं।
तुम्हारे कमरे में बातें सुनने वाली मशीनें लगाई हुई है, तुम्हारे पर्स में ट्रैकिंग डिवाइसेस डाले, बोलो ताकि तुम जहां भी जाओ हमें पता चले क्या हुआ, बोलो। हाँ, हाँ। मम्मी जी, इन लोगों ने मेरे पर्स में नहीं लेकिन मेरे लॉकेट में ट्रैकिंग डिवाइस डाला था। चली हो गई है तू? हेलो, कौन सी दुनिया में जी रही हो तुम? ये कोई जेम्स बॉन्ड के टाइम का जमाना नहीं है कि पर्स में डिवाइस रखेंगे या मशीन यूज करेंगे। मैं लगता है ना गर्मी ज्यादा हो गई है इसलिए तुम बहकी बहकी बातें कर रही हो। तुम कहो तो नींबू पानी ला दे तुम्हें। ये सब क्या हो रहा है यहाँ? और तुम लोग क्या कर रहे हो यहाँ पर? मैं बताती हूँ। तेरे और अनु के बीच में लड़ाई हुई है या नहीं हुई? आप ये हाँ या ना, हुई है या नहीं हुई है? सर पर हाथ रखकर कसम खा क्या कि जिस लड़की ने मेरी जान लेने की कई बार कोशिश की है मेरा उससे कोई लेना देना नहीं है। कसम खा मम्मी जी ऐसा कुछ भी नहीं है। एक मिनट अनु, ये मेरे और मॉम के बीच की बात है। I'll handle it. मॉम, मजबूरी होने पर मैं आपसे झूठ तो बोल सकता हूँ लेकिन आपकी झूठी कसम नहीं खा सकता। हाँ मॉम, मेरे और अनु के बीच में कोई झगड़ा नहीं हुआ। हम दोनों आज भी पहले की तरह एक साथ हैं। लेकिन मॉम, मैंने अनु का साथ इसलिए दिया था क्योंकि मैं जानता हूं कि अनु सही थी, वो सच कह रही थी। सच तो ये है कि ये काजल इस घर को तोड़ना चाहती है, मुझे आपको हम सबको नुकसान पहुंचाना चाहती है ये। तूने मुझसे झूठ बोला। आई एम रियली सॉरी मॉम। हाँ मैंने आपसे झूठ बोला लेकिन मॉम ये झूठ मैंने अनु के लिए नहीं आपके लिए बोला ताकि मैं सच आपके सामने ला सकूं।
ताकि मैं इस घर को उस नुकसान से बचा सकूं जो ये लड़की हमें पहुंचाना चाहती थी। मैं कसम खा के कहता हूं कि मैंने पहले सोचा था कि मैं आपको आकर सब कुछ बता दूं, पर मैं फिर डर गया। मुझे लगा कि आप मेरी बात का विश्वास ही नहीं करोगे, इसलिए मैं सबूत इकट्ठे करना चाहता था। और एक सबूत तो मुझे मिल भी गया। इस काजल की अजय के साथ फोटोग्राफ में आपको दिखा था। आपने भैया को भी अपनी बातों में फंसा लिया। रास्ते में किसी भी आदमी के साथ मेरी फोटो खींच ली और कह दिया कि मैं उस बंदे के साथ हूँ। मेरा उसके साथ कोई संबंध है? भाभी आप ऐसा कैसे कर सकते हो? ऐसा करना पाप है। ओ शट अप। शट अप। मामा आप ये देखिए। देखिए ना मॉम। बस तू इसकी भाषा भूलने आया है ना? अपनी बीवी की तू मुझे बचाने के लिए नहीं, इसे सच साबित करने के लिए आया है। मामा मेरी बात सुनिए, मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए। क्या समझूं मैं? बताना। ठीक है, मैं मानती हूँ ये तेरी बीवी है, तू उससे प्यार करता है, इसकी रक्षा करना तेरा धर्म है, इसके साथ रहना तेरा धर्म है, सब समझती हूँ मैं। लेकिन तू ये कैसे भूल गया कि ये वही लड़की है जिसने मेरी जान लेने की कोशिश की? एक बार नहीं, कई बार। क्या तुझे ऐसी लड़की का साथ देना चाहिए? तू क्या बताएगा? एक बात कहूं बेटा, मुझे उस दिन नहीं चोट लगी थी जिस दिन इसने मुझे मारने की कोशिश करी थी, चोट मुझे आज लगी है। मुझे उस वक्त दर्द नहीं हुआ था जब उसने मुझे गिराया था, दर्द मुझे आज हुआ है। उस वक्त जलन नहीं हुई थी जिस दिन इसने मुझे जलाया था, लेकिन आज मेरे कलेजे में जलन हो रही है। आज मेरा दम घुट रहा है, उस दिन नहीं घुटा था जिस दिन इसने मेरा गला घोटने की कोशिश की थी। प्लीज आप ऐसा मत बोलो। बस बहुत हो गया, तुझे जहां इसके साथ जाना है ना जा। आज के बाद मैं तुझे कभी नहीं टोकूंगी, मेरी तरफ से तेरी जुट्टी। कुछ नहीं मांगूंगी, मुझे कुछ नहीं चाहिए। उसे जा। लेकिन एक बात याद रखना, आज के बाद अगर मेरी बहू को किसी ने कुछ भी कहने की कोशिश की ना, तो मैं तेरी बीवी को छोड़ूंगी नहीं। फिर तू भी उसका अगर बचाव करने आ जाए ना, तो मुझे कोई परवाह नहीं। बस मम्मी जी प्लीज रुकिए ना, गुस्सा मत कीजिए, आपका बीपी हाई हो जाएगा। मम्मी जी